हे व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं शुभम और आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे हम कैनन ईओएस 1500D इस DSLR से फोटोज ट्रांसफर कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू हमारे एंड्रॉइड स्मार्टफोन में। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैमरा ऑन कर लेना है। कैमरा ऑन करने के बाद गाइस हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जो कि अभी मैनुअल मोड पे सेट है कैमरा। तो हमें सिंपली मेनू बटन पे प्रेस करना है। मेनू बटन पे प्रेस करने के बाद हम मेनू में आ जाएंगे। तो मेनू में आ जाने के बाद दोस्तों हमें सेटिंग्स में जाना है, लास्ट थर्ड वाले सेटिंग में। तो हमें ऊपर वाईफाई इनेबल कर लेना है दोस्तों। ये डिसेबल होता है तो इस तरीके से हमें इनेबल कर लेना है। तो गाइज, वाईफाई इनेबल करने के बाद हमें ये वाईफाई फंक्शन दिखाई देगा। तो हमें सिंपली वाईफाई फंक्शन में जाना है। यहाँ पे हमें इस तरीके के ऑप्शन दिखाई देंगे। फर्स्ट है ट्रांसफर इमेज बिटवीन कैमराज, सेकंड कनेक्ट टू स्मार्टफोन, थर्ड प्रिंट फ्रॉम वाईफाई प्रिंटर और फोर्थ अपलोड टू वेब सर्विस। तो गाइज, आज हम ये सिर्फ कनेक्ट टू स्मार्टफोन देखने वाले हैं, बाकी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो हमें जब स्मार्टफोन में ट्रांसफर करने होते हैं फोटोज तो हमें कनेक्ट टू स्मार्टफोन में जाना होता है। तो यहाँ एक सेलेक्ट नेटवर्क होता है और इजी कनेक्शन। तो हमें इजी कनेक्शन में जाना है। इजी कनेक्शन में जाने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद गाइज यहाँ हमें यूजर नेम दिखाई देगा जो कि वाईफाई का नेम आएगा हमारे, और नीचे पासवर्ड दिखाई देगा, वाईफाई का पासवर्ड। तो हमें वो मोबाइल में एंटर करना होता है। मैंने यहाँ पे मेरे कैमरा का रीनेम किया है दोस्तों, शुभ। तो ये दिखाई देगा आपको। तो ये यहाँ ये नेम बता रहा है आपके कैमरा में दोस्तों, जो आपके कैमरा का नेम होगा वो दिखाई देगा यहाँ पे। तो हम फर्स्ट आप फोन ले लेते हैं। तो गाइज, इसके बाद हमें स्मार्टफोन लेना है। हमें स्मार्टफोन लेने के बाद गाइज सिंपली हमें प्ले स्टोर से कैनन का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेना है। मैंने यहाँ ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है दोस्तों। इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद हमें सिंपली ये ऐप ओपन नहीं करना है। ओपन करने से पहले हमें सिंपली वाईफाई में जाना है, वाईफाई के सेटिंग में जाना है वाईफाई ऑन करके। वाईफाई ऑन करने के बाद दोस्तों हमें थोड़ी देर यहाँ वेट करना है हमारे DSLR का वाईफाई आने तक। ये देखिए दोस्तों, नीचे DSLR का वाईफाई आ चुका है। मैं इस पर टैप करता हूँ और ये पासवर्ड मांगेगा। तो मैं इसे, ये जो पासवर्ड है मैं यहाँ पे आपको जो शो हो रहा है ये नीचे इंस्क्रिप्शन की, मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। तो हमें सेम एज इट इज यही की हमें यहाँ टाइप कर लेनी होती है। तो मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ दोस्तों। ये देख सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ सेम एज इट इज सेम की टाइप कर ली है और मुझे सिंपली स्मार्टफोन में यहाँ पे अब कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें सिंपली कैनन के ऐप में जाना है। मैं यहाँ से ऐप ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हमें डिस्कनेक्ट नहीं करना है, कीप वाईफाई कनेक्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद एग्री कर लेता हूँ। ये एग्री करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एलो करना होगा, कुछ परमिशंस मांगेगा ये, तो ये हमें परमिशंस देनी होगी। स्टार्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लोकेशन इंफॉर्मेशन एक्सेस मांगेगा ये, तो ये हमें क्लोज करना है, कोई ज्यादा जरूरी नहीं होता। ओके करने के बाद यहाँ कैनन ईओएस 1500D का नेम दिखाई देगा जो कि ये कैमरा डिटेक्ट कर चुका है, जो कि हमने पहले वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर लिया है। तो सिंपली हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें कैमरा में ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ से परमिशन मिल जाएगी और कैमरा हो जाएगा कनेक्ट। इसे ओके कर लेना है। उसके बाद इमेजेस पे क्लिक करना है दोस्तों। तो आप देख सकते हो आपके DSLR के जितने भी फोटोज है यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप हमें अगर ये फोटोज लेने हैं तो दोस्तों यहाँ पे हमें सिंपली इस पे हम मार्क करके भी ले सकते हैं, जो जो हमें सिर्फ मार्क करके फोटोज चाहिए वो भी ले सकते हैं। और यहाँ से हम दोस्तों ऑल करके भी सारे फोटोज इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली दोस्तों आपको कोई भी एक फोटो लेके बताता हूँ। तो ये एक फोटो मैंने ले लिया, यहाँ से मार्क कर लिया और हमें सिंपली यहाँ पे इम्पोर्ट पे जाना है। गाइज, इम्पोर्ट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे साइज के दो ऑप्शन दिखाई देंगे। रेड्यूस पे क्लिक करने के बाद हमें कॉम्प्रेस के साथ इमेजेस मिलेंगे, और ओरिजिनल साइज के साइज पे क्लिक करने के बाद हमें ओरिजिनल साइज वाले ही फोटोज मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे ओरिजिनल साइज वाले फोटोज लेके बता देता हूँ। यहाँ पे ओके करना है सिंपली, और ये देखो फोटोज सेव हो रहे हैं हमारे स्मार्टफोन में।
ये फोटो सेव हो गया है और हमें सिंपली आप गैलरी में जाना है दोस्तों। गैलरी में जाने के बाद हमें कैनन ईओएस का फोल्डर देखना सर्च करना है। आप देख सकते हो दोस्तों कैनन ईओएस 1500D का फोल्डर बन चुका है और यहाँ पे हमारे फोटोज आ चुके हैं। तो ये रहा है दोस्तों जो मैंने अभी इंपोर्ट किया है फोटो। तो आप इतने आसान तरीके से आपके DSLR से वाईफाई के थ्रू स्मार्टफोन में फोटोज ट्रांसफर कर सकते हो। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आगे भी ऐसे ही DSLR को लेकर बहुत से हेल्पफुल वीडियोज लाने वाला हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।